फटाफट उसको बनाना है क्योंकि अभी हम लोग को जाना है शॉपिंग पे। तो हम और दीदी निकल जाएंगे, बच्चों को यहाँ पापा के पास ही छोड़ के जाएंगे। आज हम लोग यहाँ पे शॉपिंग करने, हम लोग के साथ क्यों हो गया क्या आज हम लोग भाई साहब इतनी मुसीबत के बाद अब जाके हम लोग का फाइनली ले लिए हैं। अब हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, क्योंकि इस समय 12:30 बज रहे हैं और मैंने मॉर्निंग के वीडियो नहीं शूट किया, इस समय के वीडियो शूट कर रहे हैं। और दीदी ऊपर अभी बच्चों को नहला रही हैं, मैं किचन में हूँ। आज मैं बना रही हूँ राजमा चावल रोटी, फटाफट उसको बनाना है क्योंकि अभी हम लोग को जाना है शॉपिंग पे। तो हम और दीदी निकल जाएंगे, बच्चों को यहाँ पापा के पास ही छोड़ के जाएंगे क्योंकि मतलब जाना है मॉल में तो बच्चों को नहीं ले जा सकते हैं, तो हम बच्चे यहीं पे रहेंगे और हम लोग निकलेंगे शॉपिंग पे। इसलिए फटाफट खाना बना के, बस खाना बना रही हूँ, बनाने के बाद हम लोग निकल जाएंगे और फिर वहाँ पे आज हम लोग को कुछ बच्चों के लिए, अपने लिए ऐसा कुछ भी नहीं लेना है, बच्चों के लिए शॉपिंग करना है। तो वहाँ पे जाती हूँ तो फिर दिखाती हूँ क्या क्या है। और वैसे जो हम लोग का अगर सैटरडे संडे लॉकडाउन नहीं होता तो संडे को ही निकलते क्योंकि संडे को बेस्ट रहता है, बट सैटरडे संडे यहाँ पे सब लखनऊ में ऑफ, मतलब सभी जगह ऑफ रहेगा इसलिए संडे को नहीं जा सकते। और हस्बैंड है नहीं, जीजा जी भी नहीं रहेंगे तो हम लोग को आज ही निकलना पड़ेगा। हम और दीदी जा रहे हैं और आज हमने ऐसे ही ब्रेकफास्ट में हल्का सा बना के रखा था, ब्रेड उसको कर लिया था, ब्रेड बटर कर लिया था, तो क्योंकि बच्चों को भी खिला दिया है तो थोड़ा सा हैवी हो गया है, बच्चों को खिला दिया है। नाश्ता हम लोग का कर लिए थे तो खाने समय बना रहे हैं, तो हमने कहा कि लॉक डबल पहले खाना बना लेते हैं उसके बाद हम लोग निकलते हैं क्योंकि फिर टेंशन फ्री, मतलब खाना वाना बना के जाओ तो टेंशन फ्री रहता है इंसान कि कुछ ऐसा नहीं है कि आके बनाना है या फिर कुछ भी, तो बना के जाएंगे और फिर खा के तो खैर अभी कोई नहीं जाएगा, आके ही हम लोग देखते हैं क्या खाना वाना है वहाँ पे। अभी क्या क्या शॉपिंग करेंगे आपको ज़रूर दिखाते हैं, तो चलिए मिलती हूँ जब वहाँ जाऊँगी, तो मिलती हूँ आप लोगों से। ये देखिए आई है दीदी एकदम सावन के रंग में, हरी हरी भरी, पूरा सावन का मजा, फुल मजा ले रही है अंकिता दीदी। और ये आई हुई है हम लोग के घर, पाखी उड़ गई, पाखी उड़ गया और ये पाखी अभी भी शो के आ गई। और ये सब बच्चे आए हुए हैं घर में बैठे हुए हम लोग, परी परी भी मेरे साथ बैठी है। तो मैं हो गई हूँ रेडी, आज मैंने देखिए ये जो कुर्ती पहनी हुई है मीशो की ही कुर्ती है, मैंने मीशो से मंगाई थी और गर्मी बहुत ज़्यादा है बाहर, गाड़ी से कुछ भी नहीं जाना है हम लोग को, अपने देखते हैं क्या मिलता है उसी से जाएंगे। और हमने बाल इसलिए फोल्ड कर लिया है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो ओपन हेयर करके तो नहीं जा सकते बस। तो चलिए दीदी भी रेडी हो गई हैं, तो बस मैं चलूँ फटाफट हो जाऊँ तैयार। ये दीदी भी आ गई, दीदी पहले रेडी हो गई थी, मैंने कहा लो मैं आज रेडी होती हूँ मैं सिंदूर लगा लेती हूँ, मैंने पूजा किया हुआ था तो ऑरेंज सिंदूर ऑलरेडी लगा हुआ है, ऑरेंज पे रेड चढ़ा दी। मेरी रेड लिपस्टिक मिली नहीं रही, पता नहीं कहाँ चली गई है, रेड है मेरी वाली है, रेड जहाँ कोई भी नहीं थी, मेरी रेड लिपस्टिक पाके नहीं पता नहीं कहाँ खा दी है, मेरी मिल नहीं रही तो हम दीदी से ही ले रहे हैं, दीदी लाई उन्हीं से लगा ले रहे हैं। हम लोग रेडी हो गए, आइए दीदी।
हम लोग रेडी हो गए हैं, अब हम लोग निकलते हैं चलने के लिए। हाँ, और हम और दीदी आ चुके हैं इस समय फिनिक्स मॉल यहाँ पे। एक सेकंड का अंदर गंदा हो रहा, अरे कुछ नहीं। हम और दीदी समय आ गए हैं, बच्चों को घर पे छोड़ दिया हम लोगों ने, हम दोनों आए अब यहाँ से बच्चों के लिए कुछ शॉपिंग करके तब चलते हैं। कौन सी? अच्छा ये ऑनलाइन। हाँ तो इसमें साइज देख लीजिए, लेकिन थोड़ा ऐसा लीजिए ना कि थोड़ा वो हो जाए, चल जाए, नहीं तो फिर छोटी हो जाएगी। किसी को तो हो जाता है 24 मंथ का। दीदी कर रही हूँ शॉपिंग, तो मैंने कहा यहाँ पे एक तक वीडियो क्लिप बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये लिया हुआ है, बैग भी मेरे हाथ में, और इसे रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। एक मिनट, अब सही है। ये कर रही हूँ, दीदी अभी वहाँ पे शॉपिंग कर रही हैं, और मैंने यहाँ पे लिया है कुछ पाकिट के लिए लिया है, मतलब टी शर्ट वगैरह लेनी थी हम लोगों को, दोनों बच्चों के लिए, तो वो लिया है डेली पहनने के लिए। तो यहाँ पे मैक्स में काफ़ी अच्छी अच्छी मिल जाती है, तो हम लोग यहीं पर आए हुए लेने। और ये मेरी फुल कुर्ती यहाँ पर, मैंने घर पर आप लोग को नहीं दिखाया था, ये फुल कुर्ती का लुक है यहाँ पे, ये देखिए काफ़ी अच्छी लग रही है, हमें अच्छी लग रही है। आप लोग बताइएगा कि कुर्ती का लुक अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। आज हम लोग यहाँ पे शॉपिंग करने, हम लोग के साथ क्यों हो गया क्या आज हम लोग का कार्ड नंबर ही हम लोग भूल गए हैं, तो शॉपिंग के कारण हो गया, परेशान नहीं हो पा रहा हम लोगों का। अब यहाँ पे बैठे हैं कुछ 7-8। देखिए आ जाए तो बढ़िया ही है, हो जाएगा तो सही है। बोल दीजिए इससे भी। क्या चीज? हाँ वो भेज रहे हैं, भेज रहे हैं, भेज रहे हैं। ठीक है। मैम कॉन्टेक्ट नंबर क्या यूज करते हैं आप? आज हम लोग के साथ यहाँ बड़े बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि हम लोग आए यहाँ शॉपिंग करने, हम लोग कैश नहीं लिए थे, हम लोग ये सोचे कि चलो एटीएम तो है ही, कार्ड से पेमेंट तो हो ही जाएगा, बट माइंड से मैंने, मेरे दिमाग से बिल्कुल भी उसके पिन उतर गया है, तो बड़ा मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तो हस्बैंड को फ़ोन ऑन किया है, फिर उसके हिसाब से अब ये जाके यहाँ पे पेमेंट हुआ है तो सही है, नहीं तो हम लोग तो ये हुआ कि चलो अब ऐसे ही वापस ही घर लौटना पड़ेगा हम लोगों को। हो गया भैया, हो गया ठीक है भाई साहब। इतनी मुसीबत के बाद अब जाके हम लोग का फाइनली ले लिए हैं, अब जा रहे हैं हम लोग। एक बार एक पिक क्लिक करा दीजिएगा साथ में। अब हम लोग यहाँ से काफी टाइम वेस्ट हो गया हम लोग का, 2-2.5 घंटे हम लोग के यहाँ लग गए, अब हम लोग को लग गई है भूख, अब चले हम लोग कुछ खाने के लिए। बहुत यहाँ पे इतना सोचे नहीं थे कि इतना ज़्यादा हम लोग परेशान होंगे, आज हम लोग हो गए परेशान। अब देखते हैं, चलते हैं कुछ खाने के लिए। चलिए हम लोग भाई साहब चलिए, आज तो अच्छा खासा हम लोग, अगर नहीं होता तो फिर वापस ही चलना पड़ता हम लोगों को ना। हम लोग बैठे हुए हैं अभी मैकडी में, वेट कर रहे हैं जब नंबर आ जाए, भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग अभी वेट ही कर रहे हैं कि देखिए कब आता है।
और भूख बहुत तेज से लग गई, भूख लगी है ना हम लोग को, भूख बहुत तेज से लगी। देखिए कब नंबर आता है हम लोगों का। बनाना बनाना कौन आया है अब इसको हम लोग टेस्ट। अच्छा है टेस्ट, आपने खाया? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हम भी खा लेते हैं इसको, देखें मस्त है। वनीला वनीला हम लोग का यहाँ का फेवरेट वनीला ही था, बट इसका भी टेस्ट बहुत गजब का है। तो फाइनली अभी हम लोग आ गए हैं जस्ट घर में, और इतनी देर बाद बच्चे हम लोग से मिले हैं। देखे बाकी ये इधर इतनी देर बाद मिले हैं हम लोग ने, इन लोग के लिए क्या ले आए थे बताओ? क्या ले आए थे तुम लोग? ईशी क्या ले आए थे? मामी क्या ले आई थी? मम्मा मोमोज ले आई थी, और क्या ले आई थी? चौमिन, मोमोज, चौमिन बच्चों के लिए आया था, बच्चों ने खा लिया है। अब हम लोग का वेट हो रहा है जीजा जी का, और जब जीजा जी आएंगे तब पता नहीं कब आएंगे। हम लोग कब से इनका वेट करें, हस्बैंड भी आने वाले हैं और जीजा जी भी आने वाले हैं। तो हम लोग बैठे हुए हैं, देखे कब आते हैं। फिर हम लोग आज अगर आ जाते हैं जीजा जी तो आगे क्या मस्ती होती है पता नहीं, जो भी होगी आप लोग को भी जरूर दिखाएंगे। तो हम लोग ये गए थे मार्केट, ये ले आए ग्रीन चूड़ी। हमारी मम्मी फोन करके और मेरी दीदी फोन करके आफत कर दी कि जो चूड़ी पहनी हो, छूना नहीं, रुक जाओ, जो चूड़ी पहनी हो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। तो आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा, दिखाइए दीदी ये जो हम लोग ने चूड़ी पहना था वो अच्छी लग रही कि नहीं लग रही। इसलिए हम लोग ने प्लेन चूड़ी और कड़ा लाया फिर से, और कई लोगों ने मतलब बोल दिया कि चूड़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। हमें लगा चलो भाई प्लेन ले लेते हैं, सबकी एडवाइस है कि प्लेन पहनो ज्यादा अच्छी लगेगी। तो हम लोग ले आए हैं प्लेन, और हम लोग अब मिक्स करके अब हम लोग पहनेंगे, क्योंकि हम लोग को ये पसंद थी इसलिए मिक्स करके तो पहनेंगे भाई। इसको ऐसे ऐसे पहन ले रहे हैं, चलिए हम लोग पूछते हैं किसकी चूड़ी ज्यादा अच्छी लग रही है। तो कमेंट में आएगा अच्छा लगेगा, सब लोग कमेंट करेंगे इधर तो मजा आएगी। ये सही है, ये सही सही है, हाँ ये ईशु है। ईशु अपनी डॉल दिखाओ, डॉल दिखाओ दिखाओ, ये लेके आई हो जो मार्केट से लेके आई हो, डॉल दिखाओ जल्दी से, जल्दी दिखाओ, दिखाइए। दीदी भी पहन ली है, ये हमने भी पहन लिया है, और ये है मेरी पास से, जरूर देखिए बताइएगा किसकी चूड़ी ज्यादा अच्छी। हमने प्लेन लगाया है बीच में, साइड में वो कामदानी चूड़ी बोलते हैं वो लगाया है, और ये कड़ा लगाया है ये, और दीदी क्या लगाई है? दीदी साइड में चूड़ी लगाई है और ये प्लेन लगाई है। तो सब लोग कमेंट में जरूर बताइएगा किसकी चूड़ी ज्यादा अच्छी लग रही है। आज तो हम लोग फाइनली चूड़ी चेंज, आज तो भाई साहब हम लोग की चांदी चांदी है। हम लोग आज सुबह से खूब घूमे, उसके बाद ये आ गए जीजा आ गए, तो हम लोग आ गए हैं थोड़ा सा यहाँ से चाट खाने। देखिए ये यहाँ पे आ गए हैं, ये मेरे तरफ सुभाष चाट है, काफ़ी मतलब ज़्यादा अच्छा है। तो हम लोग जा रहे हैं खाने, क्या लेंगे? हाँ ये जीजा आ गए, हाँ हाँ बात कहाँ जा रहे हैं? लेने जा रहे हैं। क्या खाना है? आइसक्रीम खाना है, आइसक्रीम नहीं मिलेगी। ईशी को क्या खाना है? ईशी को क्या खाना है? ईशी अपनी डॉल देखो देखो सीपे पहनो तुरंत, ये देखो पापा जी क्या लाए, देखो पहले चप्पल पहनो, हम जा रहे गाड़ी में, हम जा रहे पहले सीपे पहनो, देखो ईशी दीदी पहनी है ना, जल्दी पहनो पहनो। Thank you.
अच्छी है, अच्छी है। और हम लोग यहाँ पे साथ में खा रहे हैं। वैसे तो जल्दी साथ में खाने का मौका नहीं मिलता, ये चाट के ही बहाने हम लोग साथ में खा रहे हैं, यही सही है वैसे, क्योंकि ये तो रहते नहीं कभी हम लोग साथ में, तो खाना हो नहीं पाता कुछ भी, तो इसी बार हम लोग खा ले रहे हैं साथ में, हम दीदी बाकी ईशी सब साथ में। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि लोग याद करते हैं, अच्छा ही लगता है। अभी भी लोग रहते हैं तो वैसे भी बहुत मजा आते हैं लोगों के साथ। हम लोग इस समय आगे कुल्फी, ये भैया की कुल्फी बहुत ज़्यादा मशहूर है। बारिश शुरू हो गई है। हम लोग कुल्फी खा ही रहे थे कि बारिश अचानक बहुत तेज शुरू हो गई थी, जिसके कारण हम लोग कुल्फी मतलब अच्छे से खा भी नहीं पाए। तो मतलब मैं तेज बारिश शुरू हो गई थी कि जल्दी जल्दी खा के हम लोग गाड़ी में ही बैठ गए थे, और इसके बाद फिर हम लोग वीडियो नहीं बना पाए। चलिए आपसे मिलती कल, बाय।